حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين النذير وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما واللعنة الله على عداه مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب الشح لي الصدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفكه قولي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وردك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد قال قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فمن يأمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माह मुहर्रम की इस लेक्चर सीरीज़ की हम नाइन्थ लेक्चर में हैं हमने इस माह मुहर्रम में उसूल दीन के बारे में पढ़ा हमने सबसे पहले लेक्चर में दीन की ज़रूरत के बारे में पढ़ा दूसरे लेक्चर में हमने तोहैद अल्लाह की वहदानियत के बारे में पढ़ा अल्लाह की एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ा उसके बाद हमने जो है अदालत पढ़ा तीसरे लेक्चर में कि अल्लाह का आदिल होना क्यों ज़रूरी है जस्टिस की क्या इंपॉर्टेंस है, है इस्लाम में उसके बाद जो है हमने नबूत के ऊपर दो लेक्चर्स किए और इमामत के ऊपर तीन लेक्चर्स किए जिसमें हमने नेसेसिटी ऑफ़ प्रोफेट और नेसेसिटी ऑफ इमामत के बारे में जाना और अमीर इमाम अली इमामब्न अबी तौसमअ वह की इमामत ख़िलाफ़त के बारे में हमने पढ़ा और लास्ट लेक्चर में जो है हमने दूसरे इमसम हम खसूस वलियात ख़ुदा इमाम ज़मान आज तरजहुल शरीफ़ की इमामत के बारे में जाना था आज के लेक्चर लेक्चर नंबर नाइन में हम क्यात के बारे में पढ़ेंगे इनशा कल का जो लेक्चर होगा लेक्चर टेन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मक़ल करबला होगा मक्तल इमाम हुसैन आसमाम होगा तो कल जो है सिर्फ और सिर्फ मसायब होंगे आज आखिरी लेक्चर है इस सीरीज़ का कल का लेक्चर सिर्फ मसायब होगा उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है इन नौ दस लेक्चर सीरीज़ में कुछ न कुछ जो है हासिल किया होगा गुजारिश है कि मुझे मेरी फैमिली को मेरे दोस्तों को सारे ममिनिन को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें और इन दुआ करे कि ऐसी तोफ़ी मुझे हर साल मिले कि मैं जो है आप लोगों के दरमियान आऊँ और कोई ना कोई टॉपिक जो है चूज़ कर कर हम उस पर डिस्कशन कर सकें आज का आज जो आयत की मैंने तिलावत की वो आयत सूर जिलजाल की आयतें हैं आख़री दो आयतें जिसमें अल्लाह कहता है फैया अमल उस जिसका मफहूम ये होता है जिसका मीनिंग ये निकाला जाता है कि ज़रा सी भी अगर किसी ने अच्छाई की होगी तो उसे उसका जो है नीकी दी जाएगी और ज़रा सी भी अगर किसी ने बुराई की होगी तो उसे उसका जो है बदला उससे लिया जाएगा हमने अदालत में पढ़ा था कि अल्लाह जो है आदिल है अल्लाह जो है अदल करने वाला है अल्लाह जो है जस्ट है अल्लाह ने हमें खल किया मजीद में जो है आयत मौजूद है मामा खलन्ना वलिनसा अबून हमने जन्ना और इंसान को खल्क़ ही नहीं किया सिवा इसीलिए कि वो हमारी इबादत करे तो क्या इबादत मतलब सिर्फ यही कि हम जो है दिन भर नमाज पढ़ते रहे दिन भर रोज़ा नहीं 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 एक बार पाँचवें इमाम इमाम महमद बाकर अलैहिस्सलाम जो है मदीने की धूप में दोपहर में गर्मी है एकदम और इमाम बासलाम जो है फार्मिंग

फार्मिंग कर रहे हैं खेती बाड़ी कर रहे हैं, कितना दुनिया का लालच है इमाम सलाम कहते कि मैं जो है अपनी फैमिली के लिए रिस्क कमाने की कोशिश कर रहा हूँ हलाल रिस्क कमाने की और अगर मैं इस हाल में इस दुनिया से चला गया तो मैं जो है शहीद की मौत मिलूंगा अल्लाह की रजायत के साथ मरूंगा अल्लाह मुझसे राज़ी होगा सो so, अल्लाह की इबादत में जो वाजिबात है जो मुस्तहबात है उसके साथ साथ अच्छे काम करना फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हलाल रस्क कमाना <coughs> वो भी एक इबादत है हलाल रस्क कमाने के लिए जो है अगर हम स्टडीज़ कर रहे हैं ये येमाओं से सुना है कि अगर कोई स्टूडेंट ये इंटेंशन से स्टडी करता है कि मैं जो है हलाल रस्् कमाऊँ या मैं जो है ऐसा काबिल बन जाऊँ कि जब इमाम ज़मान का जहूर हो तो मैं उनके जो है लश्कर में शामिल हो जाऊँ या मैं जो है उनके कंपेनियंस में शामिल हो जाऊँ और इस जो मैं सीख रहा हूँ से इमाम की हेल्प के लिए जो है यूज करूँ तो उसमें भी जो है सवाब मिलता है कमिंग बैक तो अल्लाह ने जो है हमें खल किया कि हम जो है उसकी इबादत करें अब अल्लाह ने यह भी कहा क़रआन मजीद में कि जब हमने तुम्हें खल किया है इबादत के लिए राइट अब अल्लाह सुबहान वाली ने जो है हमें खल किया दुनिया में भेजा नबियों को भेजा एक सिस्टम भेजा एक कोड ऑफ लॉ भेजा कि ये सही है ये गलत है ये हलाल है ये हराम है ये, इस ये करोगे तो जजा है रिवॉर्ड है और ये करोगे तो सज़ा है गुना है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नमाज पढ़ोगे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगे बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करोगे तो जजा मिलेगी रिवॉर्ड मिलेगा और उसी तरफ अगर ऑपोजिट साइड जाए तो अगर हम जो है झूठ बोलेंगे बैड वर्ड्स यूज़ करेंगे गाली देंगे या जो है पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करेंगे या जो है दूसरों से सही से बात नहीं करेंगे राइट या नमाज नहीं पढ़ेंगे तो ये सब जो है इस पर जो है हमें सज़ा मिलेगी कुरान क्या है जिसकी मैंने स्टार्टिंग में तिलावत की फमैयामल मिसकाल ज़र्रत खैर अगर मिसकाल के जितना भी मतलब बहुत छोटा अगर कुछ अमल भी किया है तो उसकी जजा मिलेगी और अगर बहुत छोटा बुरा अमल किया है तो उसकी सज़ा मिलेगी तो अल्लाह ने जो है जस्टिस कायम करने की बात की अब अल्लाह ने क्योंकि कोड ऑफ लॉ भेजा है हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि एक कोड ऑफ लॉ की जरूरत है एक दीन की जरूरत है जो इंसान को गाइड करे अब फॉर एग्जाम्पल अगर गोइंग बैक टू हमारा जो एग्जाम्पल एग्जाम्पल था ट्राफिक सिग्नल का गवर्नमेंट <coughs> लॉ बनाती है कि भाई अगर तुम जो है ट्रैफिक सिग्नल पर जो है फॉर एग्जांपल हेलमेट तुमने नहीं पहना या ट्रैफिक सिग्नल रेड है फिर भी तुम जो है बाइक भगा रहे हो या कार भगा रहे हो राइट या जो है आपने सीट बेल्ट नहीं पहना वट जो भी ट्रैफिक रूल्स है फॉर एग्जाम्पल अगर उसके आगे कुछ नहीं गवर्नमेंट ने बोला ये करना है ये नहीं करना है लेकिन उसका कुछ हो नहीं रहा है ठीक है पुलिस ने आपको पकड़ा और छोड़ दिया तो इसका कोई मतलब बनेगा इसके लॉ का कोई मतलब बनेगा कि एक गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया उसका कोई मतलब बनेगा नहीं जब तक उस लॉ को एनफोर्स करने के बाद उस पर जजा और सजा नहीं होगी रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं होगी तब तक वो लॉ काम नहीं आएगा अगर पुलिस ट्रैफिक पुलिस जो है वो फाइन लगाते हैं क्या अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे या अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे या आप जो है सिग्नल रेड है फिर भी आप क्रॉस करेंगे तो आपको इतना फाइन भरना पड़ेगा तब जाके लोग उस लॉ को फॉलो करेंगे राइट कॉमन सेंस में बैठता है उसी तरह अल्लाह ने जब कोड ऑफ लॉ भेजा तो अल्लाह ने कहा कि मैं जो है एक कयामत का दिन रखूंगा कि जिस दिन तुम सब इस दुनिया से जाने के बाद सब एक साथ उठाए जाओगे और उस दिन तुम्हारा हिसाब किताब होगा और ये दिन को योम कयामत कहा जाता है डे ऑफ जजमेंट कहा जाता है कि इस दिन अल्लाह जो है हमारा हिसाब किताब करेगा कि हमने जिंदगी में कितने अच्छे काम किए कितने बुरे काम किए और उस हिसाब से जो है अल्लाह हमें जो है जन्नत या जहन्नम में डालेगा और जन्नत या जहन्नम की भी स्टेजेस है हम लेक्चर में आगे देखेंगे अब वो स्टेजेस क्या है सबसे पहला जो स्टेज है इसका रेफरेंस जो है आप किताब मनाजर आखिरा ले सकते हैं जो शेख कुम्मी ने लिखी है बहुत बेहतरीन किताब है जिसमें शेख अब्बा से, कुम्मी शेख अब्बा से कुम्मी डिस्कस करते मफातिजिनान के राइटर है शेख अब्बास जो है इस किताब मनाजिल आखिर में डिस्कस करते हैं कि क्यामत के क्या स्टेजेस होंगे मनाजिरा यानी इंग्लिश में उसका मतलब होता है स्टेजेस ऑफ यूर आफ्टर कोशिश करें कि ये किताब जरूर पढ़े दूसरी किताब जो मैंने सजेस्ट की थी रूट्स ऑफ रिलीजन राइट जो उस दीन के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस है दोनों की ऑडियो बुक्स जो मनाजिल आखिर है उसकी लिंक जो है ऊपर या नीचे डिस्क्रिप्शन में है मनाजिल आखिरा ऑडियो बुक में अवेलेबल है साथ साथ रूट्स ऑफ रिलीजन भी है सेम उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ऊपर भी लिंक जो है मिल जाएगी तो कोशिश करें कि इन किताबों को सुने कि <coughs> शेख अब्बास कुम्मी जो है स्टेजेस ऑफ ईयर आफ्टर में क्या क्या लिखते हैं मैं जो है बहुत यहाँ पे शॉर्ट डिस्कशन करूंगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है सबसे पहले जो है शेख अब्बास कुम्मी मौत के बारे में डिस्कस करते हैं कि अल्लाह किस तरह क़ुरान मजीद में डिस्कस करता है कि हर इंसान को जो है मौत आएगी अलग अलग क्रन की आयतें हैं जो शेख अब्बा से कुम्मी डिस्कस करते हैं कि एक आयत में जो है अल्लाह सुबहान फरमाता है कि कुल मौत कुम मलिकमौतल बिकुम सूर सजदा की आयत नंबर ग्यारह है आयत में अल्लाह फरमाता है कह दो ए नबी के जो मौत है उसे जो है ये चार्ज दिया गया है, उसे ड्यूटी दी गई है वो तुम्हें जो है मौत दे जो तुम्हें इस दुनिया से ख़त्म करे कुछ लोग हैं जो बोलते कि यार ठीक है ना इंसान जो है जिया इंसान ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और इंसान मर गया और ख़त्म दुनिया ख़त्म कुछ नहीं है कयामत वयामत कुछ नहीं है इमाम के पास एक शख्स आया आई थिंक मैंने एक और लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया है एक आदमी इमाम कहा क्या दीन वीन क्या कयामत व्यामत ऐसा कुछ नहीं है तो इमाम आले आले ने कहा के तू कयामत में नहीं मानता मैं कयामत में मानता हूं ओके okay? अगर कयामत नहीं हुई तो ना तू लॉस में है ना मैं लॉस में हूं ठीक है कुछ नहीं हुआ मर गए खत्म हो गया कुछ नहीं लेकिन अगर मैं सही हूं जो कि हूं कयामत होगी लेकिन तू तो कयामत में नहीं मानता तो तू उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहेगा जबकि मैं प्रिपेयर रहूंगा तो सोच क्या होगा यू so सी अगर मैं मानूं तो मेरा कोई नुकसान नहीं है लेकिन अगर मैं नहीं मानूं, तो मेरा जो है नुकसान बहुत है और कयामत के दिन की बहुत जरूरत है क्यों लोग दुनिया में जो है फॉर एग्जाम्पल सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है कोई देख नहीं रहा है तो कोई कुछ भी कर सकता है कितने लोगों का कत्ल होता है मर्डर्स होते हैं कितने लोगों का क्या क्या जो है माल लूट लिया जाता है चोरी हो जाती है जो पकड़ी नहीं जाती तो क्या ये ऐसे ही छूट जाएंगे क्या इनका कोई हिसाब और किताब नहीं होगा इसीलिए कयामत का दिन बहुत जरूरी है हमारे बिलीफ सिस्टम के लिए हमारे उसूल दीन के लिए कि इंसान को वो जो है कंट्रोल में रखता है फॉर एग्जाम्पल जो मैंने एप्पल वाली स्टोरी सुनाई थी कि एक स्टूडेंट टीचर ने सबको एप्पल दिया था और कहा था कि यह ऐसी जगह पे खाना जाए तो मैं कोई ना देख रहा हो तो कोई वॉशरूम में खाया कोई पलंग के नीचे छुप के खाया कोई दरवाजे के पीछे जाके एक स्टूडेंट एप्पल वापस लेके आया तुम क्यों वापिस ले आए बोले कि मुझे कोई ऐसी जगह ही न मिली जहां मेरा खुदा मुझे न देख रहा हो उसी तरह फॉर एग्जाम्पल कहीं पर जो है सीसीटीवी नहीं है कहीं पर ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है तो इंसान जो है चांस है कि गलत कर सकता है दुनिया का कितना भी स्ट्रॉन्ग कानून हो लेकिन अगर कोई देखने वाला नहीं है तो वो आदमी वो गलत काम कर सकता है लेकिन अगर इंसान के दिल में खौफ खुदा हो कि कोई देखे ना देखे मेरा खुदा मुझे देख रहा है कोई हिसाब किताब ले न ले कयामत के दिन मुझे जवाब देना है अगर इंसान हर एक शख्स इस कॉन्सेप्ट को अपने दिल में बिठा ले कि मुझे आज नहीं तो कल मरना है और मरने के बाद मुझे अल्लाह को जवाब देना है कयामत के दिन जवाब देना है ऑटोमेटिकली अगर ये कॉन्सेप्ट सच में लोग अपने दिल में बिठा ले मौत का खौफ खुदा का खौफ कयामत के दिन का खौफ तो ऑटोमेटिकली लोग बुरे काम करना बंद कर देंगे क्योंकि जब भी बुरे काम करने जाएंगे उनको ध्यान आएगा कि मुझे कयामत में अल्लाह को जवाब देना है कमिंग बैक सबसे पहला स्टेज है मौत हर एक इंसान को जाना है कि क़ुरान मजीद में अल्लाह कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत हर एक नफ्स को हर एक शख्स को जो है मौत का मजा चखना है तो कुछ लोग जो है एक्सीडेंट से जो है इस दुनिया से जाते हैं कुछ लोग नॉर्मल डेथ में जाते हैं कुछ लोग बीमारी से जाते हैं कुछ लोग जो है रात को सोए सुबह उठे ही नहीं सबकी अलग अलग तरीके की मौत होती है एक बार इंसान की मौत हो जाती है मौत में कई स्टेजेस डिस्कस किए गए कि इंसान जो है हालत सकरात में चले जाता है के अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न एबी तालिब अलैहिस्सलाम और जमाने के इमाम इमा, इमाम इमाम महदी अजलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ हर एक शख्स के मरने के वक्त आते हैं जो मुमिन होता है वो उनको देखकर खुश हो जाता है लेकिन जो मोमिन नहीं होता वो जो है उनको देखकर गमगीन होता है और वो जो है इस दुनिया से चले जाते हैं एक और होता है जो मौत के वक्त हमारे सर पर खड़ा होता है और वो होता है शैतान इबलीस जो इबलीस होता है जो शैतान होता है वो पूरी कोशिश लगा देता है कि आखिरी वक्त में इंसान का ईमान खराब कर दे ताकि उसकी पूरी जिंदगी की चीजें खत्म हो जाए दो भाई थे ये स्टोरी जाकिरीन पढ़ते दो भाई थे एक भाई मोमिन था नमाज पढ़ता था रोजे रखता था सारे अच्छे काम करता था और दूसरा भाई जो है दीन से ज्यादा लेना देना उसका नहीं था ठीक है खुदा में नहीं मानता था एक ही घर में रहते थे ऊपर नीचे मोमिन जो था वो हर बार उसको बोलता रहा कि यार तू समझ जा तू दीन कबूल कर ले अल्लाह में मान ले अलबैत में मान ले जो दूसरा था वो बोलता था ये छोड़ ये सब क्या दीन वीन कुछ नहीं जिंदगी ऐश करो खाओ पियो मर जाओ खत्म गेम ओवर पूरी जिंदगी ये चलता रहा एक बार एक भाई ने सोचा कि यार मेरा भाई सही तो कहते हैं दीन मुझे कबूल कर लेना चाहिए अच्छी बातें होती है और थोड़ा सी लाइफ भी होती है और उसी वक्त दूसरा भाई सोचता है यार क्या दीन बीन बस हो गया छोड़ना ऐश करू जीव खाओ पियो और ये दोनों एक दूसरे से मिलने आ रहे थे अल्लाह ने ऑर्डर दिया मलिकुल मौत ने दोनों की रूख अफस कर ली अब जो पूरी जिंदगी मोमिन था आखिरी वक्त में उसने अपने ईमान को छोड़ दिया और गैर मोमिन की मौत मरा जबकि जो गैर मोमिन था जो खुदा में नहीं मानता था उसने अल्लाह पर ईमान लाया और उसकी मौत हुई तो पूरी जिंदगी उसने जो है गैर मोमिन की जिंदगी जी लेकिन आखिरी वक्त में उसको तोफीक मिली और वो जो है मोमिन हो गया लेकिन ये तोफीक मिलनी बहुत जरूरी है ऐसा नहीं कि हाँ चलो पूरी जिंदगी मजे करो आखिरी वक्त में अल्लाह से तोबा कर लेंगे मौका मिलना चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल सल्हुसम के ज़माने में एक लड़का जो है हालत सकरात में था बहुत बहुत बुरी हालत में था मरने वाला था लेकिन उसकी जान नहीं निकल रही थी लोगों ने रसूल को बुलाया कि यार रसूल्ला ये जो है आइए रसूल्ला उसको बोल रहे कि कलमा पढ़ बल्ला मोहम्मद रसूल वो पढ़ नहीं पा रहे जैसे कोई उसका गला दबा के रख रहा हूँ रसुल्ला ने कहा क्या कोई इस, क्या इसकी मम्मी है क्या इसकी मोम है बोले हाँ है ना बोले बुलाओ बोले क्या तुम अपने बेटे से नाराज हो बोले हाँ बोले जरा भी मेरी बात नहीं सुनता था मैं इससे बहुत नाराज हूँ कहा इसे जो है माफ कर दो क्योंकि शैतान इसका गला पकड़ के रखा हुआ है और इसकी मौत जो है नहीं हो रही और ये जो है शहादतैन नहीं पढ़ पा रहे उसकी माँ ने उसको माफ किया तब जाके शैतान ने उसका गला छुड़ा और रसूल्ला ने कहा उसने कहा तो जरूरी नहीं है किफ़ीक मिले ही इनशाला दुआ करे कि हम सबको अल्लाह तोफीक दे के हम दीन हक पर जो है इस दुनिया से जाए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है जो दुआ जो छठे इमाम इमाम जाफर सदकाम ने बताई थी वो दुआ को हम रिपीटेडली पढ़े क्या है वो दुआ बिस्मिल्लाहिर या अल्लाहु या रहमानो या रहीम या मुकल्लिब अलकुलूब थबुत कलबी अला दीनक ऐ रहमान ए रहीम ऐ, ऐ, ऐ दिलों को कंट्रोल करने वाले मेरे दीन को मेरे दिल को सच्चे दीन पर साबित कदम रख तो दुआ हमें हमेशा करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे दीन को सलामत रखे خصوصا موت کے وقت اور मौत के वक्त जो है जब शैतान ज्यादा हावी कब होता है जब हमारे गुनाह ज्यादा होते हैं तो शैतान को ज्यादा चांस मिलता है हम पर हावी होने का हम पर मुसलत होने का लेकिन अगर हमारे नेक आमाल अच्छे हैं तो शैतान जो है कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है सेकेंड स्टेज जो आता है मौत के बाद वो है कब्र वो जगह जहां एक दिन हम सबको जाना है हम जब जाते हैं हम मुमिनीन को देखते हैं किस तरह जो है वो कब्र में लेटे हुए हैं जो हमारे साथ थे वो आज हमारे साथ नहीं है कितने हमारे रिलेटिव्स हैं जो हमारे साथ मौजूद थे पिछले अयाम रजा लेकिन इस साल हमारे साथ मौजूद नहीं है कब्र में जो है जब इंसान को डाला जाता है तो उसके बाद मुनकिर और नकीर अल्लाह के जो दो फरिश्ते हैं वो आते हैं है के लेने के लिए और वो पूछते हैं तुम्हारा रब कौन है तुम्हारा दीन क्या है तुम्हारी किताब क्या है तुम्हारे नबी कौन है? जो है ताकीद की गई है और साथ में जब दफन करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो मौलाना साहब है वो जो है तलकीन पढ़ते हैं राइट तो तलकीन क्या होती है वो उसके लिए रिमाइंडर होता है इसीलिए हमें वो जो दुआ है जो

तुम्हारा दीन क्या वब वब दीना। कौन सी है किताबा। तुम्हारा किबला किबलता। तुम्हारा पहला इमाम और इस तरह जो है जमाने के इमाम तक जो है जिक्र आता है तो मुनकर नकीर हमें जो है जैसे ही लोग हमें कब्र में डाल जो है जाएंगे ज्यादा डिस्कशन में नहीं जा रहा कब्र के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक पूरा सीरीज करें क्योंकि बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है मनाजिल अल आखिरत और एक काफी लेंथी डिस्कशन है जिसके लिए पूरी सीरीज की जरूरत है तो कब्र में जब मोमिनिन हमें दफना कर जाते हैं तब जो है मुनकिर नकीर आकर हमसे सवाल करते हैं और एक चीज जो है जो होती है उसे कहते हैं फिशारे कब्र यानी कब्र जो है हर जगह से नैरो हो जाती है और अंदर जो है एकदम फुल दिया जाता है तो कब्र से बचने के लिए जो है कई सारे आमाल बताए जाते हैं जो है हम कोशिश करेंगे कि किसी एक फ्यूचर लेक्चर में जो है हम इन सब चीजों को डिस्कस करें कि किशारे कब्र से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है उसके बाद जो है मौत के वक्त करने के लिए हमें क्या क्या करना है कब्र के बारे में यह है कि बीबी की ने ने जब से सुना कि फिशार कब्र हो हो गया तो वो जो है खौफजदा गई तब वाले 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 ने कहा कि आप जो है घबराए नहीं और जब वो इस दुनिया से चली गई तब रसोल सल खुद उनकी कब्र में उतरे उनकी में लेटे और उनकी कब्र से कहा कि मेरी वालिदा को जो है मैं इस कब्र में डाल रहा हूँ बीबी फातिमा ने बचपन से रसुल्ला को जो है पाला और दफन किया तो सोचिए जब अमीर उलिन की वालदा फिर शार से जो है इतना घबराती है तो हम जैसे गुनहगारों को जो है क्या होगा तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है अच्छे काम करें और बहुत सारे आमाल हैं जो फिशारे कब्र से बचने के लिए मनाजरा में शेख अब्बास बयान करते हैं जिसमें से जो है एक ये है कि अगर कोई शख्स सोने से पहले सूर तकासुर की तिलावत करे सूर तीसरे पारे का सूरह है तो अल्लाह सुबहान है इस अजाब से उसे जो है निजात दिलाएगा एक छोटा सी दो मिनट दो एक मिनट का सूर बस्मिल रहीम हत्ता मुतका सुरहतर كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسالون نها يوم عن النعيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم شيخ عباسقمی कई सारे आमाल जो है इसमें नोट डाउन कर जा रहा हूं 17 से 16 से 17 आमाल है जिसमें से जो है मैंने आपको जो है एक बताया है अब कब्र के बाद जो है बरजख का स्टेज आता है बरजख का स्टेज क्या होता है छठे इमाम इमाम जाफर सदक वसलाम फरमाते हैं कि क्यामत में हम तुम्हारी शफात जरूर करेंगे लेकिन बरजख की तैयारी तुम करके आना अब ये बरजह क्या है बरजख वो स्टेज है जो मौत और क्यामत के बीच है इंसान मर गया कब्र में डाला गया और जब तक क्यामत आएगी तब तक ये बरजख चलेगा अब क्वेश्चन आता है कि तो बर्जख का कोई डिफाइंड टाइम है <coughs> नहीं जनाब आदम वो जब से इस दुनिया से गए हैं तब से आज तक बरजख चल रहा है उनका रसुल्ला के जमाने में जो लोग इस दुनिया से गए तब से लेके आज तक बरजख्त चल रहा है और कयामत के दिन तक चलेगा आज अगर कोई इस दुनिया से जाता है तो आज से लेकर जब तक कयामत आएगी तब तक जो है बरजख चलेगा अब ये बरजख में होता क्या है बरजख में जो है इंसान के आमाल के मुताबिक उसे जजा या सजा दी जाती है ठीक है उसे रिवॉर्ड या पनिशमेंट दिया जा जाता है अगर तुमने अच्छे काम किए हैं तो अल्लाह जो है तुम्हें उसकी जजा देगा कब्र में ही और अगर बुरे काम किए तो उसकी सजा देगा एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक बार जो है चार जवान जो है कब्रिस्तान गए और ऐसे ही मजाक मजाक मस्ती वस्ती में जो है वो कब्र में पूछते हैं कि यार तुम तो मजे लूट रहे हो कब्रिस्तान में कभी हमें भी दावत पे बुलाओ अंदर से कब्र से आवाज आई अगले जुमेरात आइए दावत पे अब सब डर गए भाई अपना टाइम आ गया खत्म हो गया नेक्स्ट वीक तक अपन सब जो है गए क्या मस्ती मजाक सूझी पूरे हफ्ते तोबा की सफार की इबादतें की सबके कर्ज चुका दिए सब कर दिया थर्सडे आया शबे जुमाई सबने एक दूसरे को पता किया कि सब ठीक है बोले चले काम करते कब्रिस्तान जाते देखते क्या होता है गए कब्रिस्तान जब उस कब्र के पास पहुंचे तो कब्र खुल गई और जब कब्र खुली तो अंदर से गुलाम नमूदार हुआ कहा आप कहाँ थे आका आप तो कब से इंतजार कर रहे और ये लोग सब कब्र के अंदर चले गए अब जब ये लोग कब्र के अंदर गए अंदर देखा तो आलीशान महल सजा हुआ है और हर जगह जो है फुल किंग टाइप फील आ रही है और सामने तख्त पर जो है एक शख्स बैठा हुआ है ये लोग गए इन्होंने बाते की बोले आइए मेहमान बनिए सब अलग अलग पूरा दस्तरखान सजा था सब बैठे थे तो पहचाना नहीं आपको अरे बोले मैं तुम्हारे वो पड़ोस का कसाई जो गोश्त काटता था कसाई तू तो बहुत खूबसूरत हो गया अभी चेंज हो गया है ऐसा कैसे हुआ तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह ने मुझे अता किया है तो ले भाई ऐसा तुमने क्या कर दिया कि अल्लाह ने तुम्हें जो है शरफ नवाजा है तो शख्स ने कहा मैं जो है जैसे ही अजान की आवाज सुनता था चाहे मैंने गोश्त को वजन काटे में डाल दिया और बस गिराक को देना है मैं वहीं उसे छोड़कर नमाज की तरफ दौड़ा चला जाता था और बस इसी अमल की वजह से अल्लाह ने जो है मुझे शरफ नवाजा है उन्होंने देखा कि वो जो है बहुत दर्द महसूस कर रहे पैर में तो बोले दर्द किस चीज़ के थे एक सांप सांप पैर में बंधा हुआ था बोले बोले क्यों है बले एक शख्स को मेरे को कुछ दो रुपए अप्रोक्स मतलब अपनी जबान में कह रहा हूँ बहुत छोटा सी सम दो रुपए या ऐसा कुछ देना था मैंने कहा मैं बाद में देता हूं और फिर मेरा इंतकाल हो गया अब मैं उस शख्स का मकरूज हूँ जब तक मैं उसका कर्ज अदा नहीं करता ये सांप मुझे डसता रहेगा इतनी नेमतों के बाद बोले इतनी नेमतों के बाद भी फिर जो है वो लोग बाहर गए उन्होंने जो है उसका कर्ज अदा किया उसके बाद वो ख्वाब में और कहा थैंक यू वेरी मच मेरा जो है गुनाह माफ हो गया इससे हमें दो लेसन मिलते हैं पहला नमाज जो हमें कोशिश करनी कि हम जो है बवक्त पढ़े छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने आखिरी वक्त में फरमाते हैं कि हम अहलैत की शफात उन लोगों तक नहीं पहुंचेगी जो नमाज को हल्का समझते हल्का समझना यानी क्या यानी नमाज पढ़ना लेकिन ठीक है अभी चार बजे ना पढ़ेंगे छह बजे कजा होती है पाँच साढ़े पाँच छह बजे पढ़ेंगे देखेंगे एंड मोमेंट नमाज को इम्पोर्टेंस देना हमारे लिए बहुत जरूरी है और जितना मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, है ये जरूरी है और दूसरा लेसन ये कि हमें जो है किसी की भी चीज बिना इजाजत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए किसी का भी जो है हमें कर्ज नहीं रखना चाहिए बात करके नहीं कि ठीक है अगर खुदा न खास्ता जो है अगर कुछ हो गया तो हम जो है ये माफ है जिसका जो है हक उसे उसका हक जो है हमें लौटाना है उसके बाद जल्दी से आगे बढ़ते हुए मौत कब्र और बरजक के बाद आता है वापिस से उठाया जाना जब ये उठाया जाएगा तो हमें जो है अच्छा जस्ट ये कि बरजक के, के टाइम मोमिन की रूह होती है वो वादी जाती है वादी की तरह अमीरिन इमाम अली के जो हरम है उसके सामने कब्रस्तान है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रस्तान है वादी वहाँ पे जो है अरवा की, की रूह है वहां जाती है जो गैर मोमिन होते हैं उन सब की रूह यमन में वादिया बरहूत है उस कब्रस्तान में जो है गैर ममिन की रूह होती है वाद बादीम की भी स्टोरीज है इनशाला हम किसी और दिन जो है डिस्कस करेंगे हमने सुना है कि जनाब इसफी जो है जो चार बड़े मलाइका है जबराइल मिकाइल इसराइल इसराफील इसराइल मलिकल मौत है जनाब जिब्रील हम जानते हैं जनाबाइल तकसीम करते हैं और जनाब का है पहले अल्लाह जनाब इसल से कहेगा कि यानी ब्लो द कहेगाट भोंपू बजाओ एक भोपू बजाएंगे तो आसमान के सारे लोग चले जाएंगे दूसरा बजाएंगे तो जमीन के सारे लोग मर जाएंगे और लास्ट बजाते ही वो खुद जो है इस दुनिया से चले जाएंगे उसके बाद अल्लाह जब चाहेगा तब जो है सबको जो है वापस जिंदा करेगा और जब अल्लाह जिंदा करेगा तो सबको अलग अलग हाल में जिंदा करेगा इंसान के अमाल के मुताबिक जो है लोग जिंदा होंगे हदीसों में है कि कुछ लोग जो है जो बहुत घमंड करते जो प्राउड करते कि मैं कुछ हूं मेरी कोई इंपॉर्टेंस है तो उनको जो प्राउड बहुत होते अल्लाह उनको कयामत के दिन चीटियों की शक्ल में पैदा करेगा कि लोग उन पर रोनते हुए जाएंगे और उनकी सारी जो प्राउडनेस थी दुनिया में अल्लाह जो उनको वहां ऐसा आजाद देगा जनाब जनाबर कैन अलैहिस्सलाम शहीद करबला के बारे में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब देखा उनका जनाजा तो कहा कि अल्लाह कैन के जो कातिलीन है उनको जो है सूअर की शक्ल में जो है कयामत के दिन उठाना के इंसान दफना दिया जाता है या हमारे जो हिंदू ब्रदर्स है उनके यहाँ जो है जला दिया जाता है कहीं और जो है कुछ और जो है जैसे एग्जाम्पल पारसीज के यहाँ जो है वो बॉडी को जो है वल्चर्स खाते हैं कोई जो है पानी में डूब के मर गया कोई जो है किसी को शेर खा गया फॉर एग्जाम्पल जैसे अलग अलग तरीके की मौत है तो इंसान की बॉडी तो खत्म हो जाती है <coughs> तो अल्लाह इस खत्म हुई बॉडी को कैसे जिंदा करेगा इंसान तो खत्म हो गया तो दो दो आंसर है इधर सबसे पहला तो कुरान में अल्लाह कहता है इन कदीर अल्लाह हर चीज पर जो है कुदरत रखता है और दूसरा जवाब ये कि वो खुदा के जिसने इंसान को पैदा किया तब जब वो कुछ नहीं था तो इंसान के मरने के बाद एटलीस्ट हड्डियां बचती है कुछ तो बचता है राइट जो खुदा जीरो से इंसान को खल कर सकता है क्या वो हड्डियों से वापस इंसान को रिजरेक्ट नहीं कर सकता क्या वो हड्डियों से इंसान को वापस पलटा नहीं सकता बिल्कुल कर सकता है इन अल्लाहन कदीर तो कयामत के दिन जो है अल्लाह हम सबको जनाब आदम से लेकर आखिरी दिन तक जितने लोग मोमिन गैर मोमिन मुसलमान गैर मुसलमान सबको जो है अल्लाह कयामत के दिन जमा करेगा और उसके बाद जो आता है वो है नाम आमाल अल्लाह जो है जो मोमिन है उनके नाम आमाल को उनके राइट हैंड में देगा और जो गैर मोमिन है उनके अमाल को जो है उनके पुष्ट पर या उनके लेफ्ट हैंड में जो है दिया जाएगा उसके बाद जो है आती है मीजान यानी स्केल्स ऑफ बैलेंस जिस पे अमाल रखे जाएंगे और डिसाइड किया जाएगा कि जन्नत में ये शख्स जाएगा या जहन्नम में जाएगा तो जब ये मीजान में जो है इंसान के आमाल कम पड़ेंगे हम सब गुनेगार हैं, हम हमारे है, हम सबके गुना ज्यादा है अच्छे काम से और एक, एक चीज ध्यान रखिए कि कोई भी शख्स एहलैतम की शफात के बिना जन्नत में नहीं जा सकते क्योंकि इंसान के गुना ही इतने हैं कि अहलवैत की शफात हमारे लिए बहुत जरूरी इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया में गुना करें और बोले एहलैत आप संभाल लीजिएगा में छठे इमाम मैंने कहा छठे इमाम ने कहा कयामत में आप शफात करेंगे लेकिन बरजक की तैयारी तुम करके आना साथ, साथ फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम का पेपर हंड्रेड मार्क्स का है थर्टी फाइव पासिंग आपको थर्टी थ्री थर्टी फोर तो टीचर बोलेगा लेकिन अगर आपके मार्क्स वन टू या थ्री है जबकि आपको चाहिए एटलीस्ट थर्टी फाइव तो टीचर क्या करेगा राइट तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने गुनाहों को कम करें और साथ में एलबैत की शफात की उम्मीद करें मैं बात कर रहा था मीजान की स्केल्स ऑफ बैलेंस की कि अच्छे और बुरे काम रखे जाएंगे जब ये होगा तब लोगों के जब बुरे काम जो है ज्यादा हो जाएंगे और नेक अमल कम होंगे तब अल्लाह कहेगा इसने जो पूरी जिंदगी में शलवार पड़ी है उसे लाओ और जैसे ही शलवात को निज़ान पर रखा जाएगा स्केल्स ऑफ बैलेंस पे रखा जाएगा तो नेक आमाल का पलड़ा नेक आमाल की साइड भारी हो जाएगी और इंसान को जो है जन्नत में भेज दिया जाएगा लेकिन जन्नत में जाने से पहले जो है अमीरुल उलमिन इमाम अली अभी तालिब जो है खड़े होंगे और उनकी व इमामत में जिसने भाई किसी ने बहुत नमाजें पढ़ी है बहुत रोजे रखे हैं बहुत अच्छे अच्छे काम किए लेकिन इमाम अलीलाम को पहला इमाम नहीं मानता तो उसके सारे आमाल खराब सबसे जरूरी अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत व इमामत और उनके बाद ग्यारह इमामों की इमामत को मानना जरूरी हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में यो मन जवाकनासिन बे कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि उस दिन जो है हम हर किसी को अपने इमाम के साथ जो है उठाएंगे उसके साथ उसके बाद हिसाब व किताब होगा पुल सिरात होगा हौज कौसर होगा कि जिसपे अमीर उल्मीन खड़े होंगे और अमीर उल्मीन जो है हर किसी को अमीर उल्मीन का एक लकब है हैल नारे वन्ना के जन्नत और जहन्नम को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो उनके चाहने वाले हैं उनको जन्नत में डालेंगे और उनसे जो बोग्ज रखते हैं उनको जो है जहन्नम में डाला जाएगा जो अमीर उल्मीन से मोहब्बत करते हैं वो जन्नती है और जो अमीर उलमिन से बोग्ज रखते हैं वो जो है जहन्नम की ओर जाएंगे उसके बाद पुल सिरात होगा कि जिसपे हमारा हिसाब लिया जाएगा अलग अलग चेक पॉइंट्स होंगे जो है आपने जो है नमाज पढ़ी चेक रोजा रखा चेक ये नहीं किया चलो नीचे जाओ पनिशमेंट खा के आओ पुलिस सिराज के बारे में है कि वो बाल से ज्यादा बारीक आग से ज्यादा गर्म और तलवार से ज्यादा तेज होगा लोग जो है पुलिस पुलिस सिराज के नीचे जहन्नम होगी और पुलिस सिराज के उस तरफ जन्नत होगी लोगों को जाना पड़ेगा धीरे धीरे चेक पॉइंट्स क्लियर करते हुए अपने हिसाबों किताब देते हुए माहिर रमजान में कई सारी ऐसी दुआएं हैं कि जिसमें जो है बयान करते कि इस दुआ के पढ़ने पर जो है कोले से इंसान बिजली की तरह जो है गुजर जाएगा उसके बाद जन्नत जन्नतों जहन्नम है कि जन्नत में जो है ऐशो आराम होगा शहद की नदियाँ होगी दूध की नदियाँ होगी इन शाह किसी दिन जो है हम पूरा इस पर डिस्कशन करेंगे और जहन्नम में जो है उसी तरह जो है लोगों के लिए अजाब होगा जहन्नम के भी स्टेजेस होंगे और जन्नत के भी जो है स्टेजेस होंगे जन्नत के हाईएस्ट स्टेज पे रसूल का होगा और जहन्नम का जो लास्ट जो एकदम एंड है जिसे सकर कहा जाता है तो वहां पर जो है बैत के जो बदतरीन दुश्मन थे उनको जो है डाला जाएगा और इतना बुरा होगा सकर के जहन्नम के लोग कहेंगे कि सकर कब को बंद करो सकर को दूर करो क्योंकि वहां का अजाब जहन्नम वालों से भी बर्दाश्त नहीं होगा इसी तरह जो है जन्नत और जहन्नम उसके बाद अल्लाह जो है हमें हमेशा के लिए रखेगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस पर जो है हम एक अलग सीरीज करें क्योंकि इस पर पूरा एक डिस्कशन बहुत जरूरी है कोशिश कि मनाज आखिर बुक को पढ़े साथ साथ क्वेश्चन आता है कि कई लोग जो है क्यामत में ईमान नहीं रखते हैं हमने देखा है हिस्ट्री में कितने लोग दूसरों का कत्ल कर देते हैं इनोसेंटली दूसरों के माल को लूट लेते हैं दूसरों की हम हर जगह देख रहे हैं, हमने देखा है कि हिस्ट्री में कितने ऐसे डिक्टेटर्स आए कितने ऐसे तानाशाह आए कितने ऐसे जालमीन आए भरी पड़ी है हिस्ट्री इतने सारे किंग्स आए जिन्होंने लोगों को इनोसेंटली कत्ल किया जिन्होंने लोगों को बेगुनाह कत्ल किया और जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा था वो मैदान करबला में किया गया आज नौ मुहर्रम है जनाब अली अकबर सलाम से मंसूब है आज का दिन जनाब अली अकबर सलाम को जो है शबी रसूल कहा जाता था और क्योंकि वो उनकी जो फीचर्स थे उनकी जो स्पीच थी उनकी जो चलन चाल चलन था वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था लोग दूर दूर से आते थे के इमाम हुसैन के बाद एक बेटा है जो रसूल जैसा दिखता है तो रसूल की करने आते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला जब पहुंच रहे थे और करबला के मैदान में जब पहुंच गए रोजे आशूर की सुबाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अली अकबर से कहा अपने जो मुअज्जिन थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने मुअज्जिन जनाब हजाज बिन मसरूक से कहा कि आप रुकिए और जनाब अली अकबर से कहा तुम जो है अजान दो कि सुनकर कुछ क्योंकि आवाज, आवाज सुनकर लोग जो है दीन हक पर आ जाए और इस जंग से बाज आ जाए देखिए इमाम हुसैन कितना मौका दे रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ जनाब अली अकबर ने अजान दी शहदाय करबला शहीद होते गए एक वो वक्त भी आया कि जब जनाब अली अकबर ने कहा बाबा मुझे मरने की इजाजत दीजिए इमाम हसैन आम कहते काश तुम साहेब औलाद होते काश तुम्हारी कोई औलाद होती तो तुम्हें पता चलता कि एक बाप के लिए कितना डिफिकल्ट है अपने बेटे को विदा करना अपने बेटे को मरने की इजाजत देना जनाब अली अकबर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तैयार किया घोड़े पर सवार किया जनाब अली अकबर जंग के लिए जा रहे थे अचानक उन्हें पीछे से चलने की आवाज आई तो जब पीछे मुड़कर देखा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 57 ईयर ओल्ड इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े के पीछे चलते हुए जा रहे नहा खां जो है एक जो मरसिया कहते हैं मुड़ मुड़ के मुझे देखते जाना अली अकबर जनाब अली अकबर आए कहा बाबा आपने तो मुझे विदा कर दिया माम हुसैन आलाम ने कहा अली अकबर काश तुम साहिब औलाद होते काश तुम्हारी औलाद होती तो तुम्हें पता चलता कि कितना मुश्किल है एक बाप के लिए मामा हुसैन ने जनाब अली अकबर जनाबराम को गले लगाया और जनाब अली अकबर मैदान की तरफ गए रवायत में है जाकिरीन फरमाते हैं कि जनाब अली अकबर ने ऐसा रजस पढ़ा ऐसी स्पीच दी कि साथ कहता है कि मुतजा का पोता है अगर इसके सामने एक एक करके जाओगे ये जो है तुम्हें कर देगा। में है कि उसके बाद जनाब अली अकबर जो है लौट कर वापस आए इमाम हुसैन से कहा कि काश एक घूट मुझे पानी मिल जाता तो मैं इन जालिमी को दिखा देता की मैं हैदर कर पोता हूँ लेकिन इमाम ने, कि ने कहा कि बेटा अली अकबर जाओ तुम्हारे दादा और ऐसी जंगलड़ी, ऐसी जंगलड़ी के यजीदी फौज जो है दूर दूर भाग रही थी आखिर में एक मलाउन ने पीछे से जनाबली अकबराम के ऊपर एक ऐसा भाला फेंका एक ऐसा स्पियर फेंका जब जनाबली अकबर मुड़े तो भाला जो है सीने में जो है अटक गया जनाब अली अकबर घोड़े पर संभल सके जमीन पर आ गए और कहा अलैका या अबा अब्दिल्ला। इमाम हुसैन जो है दौड़ते हुए जा रहे थे बीबी सकीना ने कहा कि आप जो है किस तरफ जा रहे हैं खेमे के पीछे की तरफ जा रहे थे जनाब अली अकबर उस तरफ है इमाम हुसैन अल्सम ने कहा कि तुम्हारे भाई के जाने से जो है मेरी आंखों की रोशनी चली गई है मेरी जो है दुनिया जो है मैं क्या करूँ इस दुनिया में जो है इमाम हुसैन जनाब अली अकबर जनाबराम के पास पहुंचे जनाबराम अली अली के सीने में जो है बर्ची का फल लगा हुआ था जनाब अली अकबर ऐसा हाथ पकड़ के रखे थे इमाम हुसैन ने कहा कि क्या हुआ कहा जो है दर्द हो रहा है बाबा अचानक इमाम हुसैन ने देखा कि जनाब अली अकबर मुस्कुरा रहे और उसके बाद रो रहे तो इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्यों मुस्कुरा रहे और क्यों रो रहे हो कहा मैं मुस्कुरा और कि मैं देख रहा तो हूँ हर एक आंसू जो आपकी आंख से गिरता है उस पर बीबी फातिमा जहरा जो अपने आप को एक तमाचा लगाती है मैं कहूंगा कि उस गाल पर कैसे तमाचा लगाया उस रुखसार पर कैसे तमाचा लगाया जा सकता है जिसे ऑलरेडी तमाचे मारे गए हो जनाब अली अकबर तो के सीने में बर्ची का फल देखा इमाम हुसैन ने एक हाथ जमीन पर रखा दूसरा हाथ जनाब अली अकबर के सीने पर रखा और कहा याली मदद और जैसे ही बर्ची का फल निकालने गए साथ जनाब साथ जनाब अली अकबर का कलेजा जैसा आता गया जनाब अली अकबर की रूह जो है इस दुनिया से परवास कर गई

इलम हासिल करे मेरे परवरदिगार इस दुनिया से इस पैंडमिक को इस कोरोना वायरस को ख़त्म फरमा कि हम उसी तरह उसी शान से आज़ादारी कर सकें जिस शान से जो हम पहले करते थे या मेरे परवरदिगार जिनके रिस्क के प्रॉब्लम है उनको दूर फरमा जो जो हलाल हाजतें लेकर आए उनकी हलाल हाजतों को कबूल फरमा इन श्ला शब आशूर है गुजारिश है कि हँसी मज़ाक से परहेज़ करे इमाम हुसैन आलाम के और उनके अब कतलिन पर जो है ज्यादा से ज्यादा लानत करे कल के दिन ज़्याारत आशूरा ज़रूर पड़े इनशा कल जो है हम पाँच बजे मक्तले इमाम हुसैन के साथ फिर हाजिर होंगे जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा इस सीरीज़ का इनशाला थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इस लेक्चर सीरीज़ में बहुत बहुत शुक्रिया और अगर बाई चांस मैंने किसी का जो है दिल दुखाया है या किसी की जो है दिल आजारी की है इन लेक्चर सीरीज़ में तो मैं जो है माजरत चाहता हूँ इन श्ला थैंक यू वेरी मच कि आप सब ने जो है أتينك کیا ان شاء الله کل ملاقات کریں گے. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين محمد و محمد صلوات اللهم صل على محمد و محمد وعجل فرجهم